नमस्कार, वे वार्ता में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में आतंकवादी हमलों के बाद इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक चर्चा में है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, जाकिर नायक के वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद है, क्या सरकार को पहले से नहीं चेतना चाहिए था? न केवल उनके वीडियो पहले से मौजूद है, उनके बातों को लेकर, बयानों को लेकर जो विवाद है उसको लेकर भी पहले से सरकार के पास जानकारी है। अब सारे कागजात सामने आ चुके हैं। जब उनके पीस टीवी पर बैन लगाने को लेकर, उनके भाषणों और जो वक्तव्यों में जो विवादित बातें हैं उनको लेकर सरकार की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, एक चिट्ठी है जिसमें कहा गया था कि इनके पीस टीवी पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन वो प्रतिबंध नहीं लगाया गया क्योंकि वो कागज जो है फाइलों में घूमते रहे। इसका मतलब हम इंतजार करते हैं कि इस तरह के तथाकथित धर्म उपदेशक जो हैं अपने विचारों का कूड़ा युवाओं के दिमाग में और ऐसे लोगों के दिमाग में जिनके खुद के विचार नहीं है डाल सकें, वो कूड़ा बड़ा होकर बम में बदले, बारूद में बदले और उस बारूद का विस्फोट जब दूसरी जगहों पर होता है तब हमको समझ में आता है कि कितने भयावह दौर से हम गुजर रहे हैं। बांग्लादेश में जो आतंकवादी फिदायीन हमला हुआ है उसमें सबूत साफ तौर पर मिले हैं कि कम से कम दो आतंकवादी जो उस हमले में शामिल थे वो सीधे सीधे जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित थे। तो यदि किसी के विचार आतंकवादी तैयार करने में मदद कर रहे हैं तो वो व्यक्ति कितना घातक है ये हमें मालूम है और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार का, इसमें पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टी की सरकार हो उसको इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए थी। दूसरी एक चीज और सामने आई कि बांग्लादेश हमले के बाद में जिस तरह की मुहिम छिड़ी गई कि भाई जांच होगी, गिरफ्तारी होगी, क्यों नहीं ये सब चीजें चुपचाप होती और जाकिर नाइक को गिरफ्तार कर लिया जाता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके से विवाद खड़ा कर देने से जाकिर नाइक बल्कि सावधान हो गया। वो सऊदी अरब गया था और वहां से वापिस लौट कर नहीं आया, दो दिन पहले उसको वापिस आ जाना चाहिए था। अब वो वहां से अफ्रीका भागने वाला, ऐसे भी समाचार मिले हैं। तो हमने एक आतंकवादी प्रचारक को, एक ऐसे धर्म प्रचारक को जो जहर उगलता है, छुप जाने का, सुरक्षित हो जाने का, भाग जाने का मौका उसको लेकर लगातार टेलीविजन चैनलों पर बहस हो रही है, मुझे लगता है इसकी बजाय खुफिया तंत्र गुपचुप अपना काम करता, जैसे ही वो भारत आता उसको गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये ज्यादा सही कार्रवाई होती। जाकिर नाइक को दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं से समर्थन भी मिलता है, ये मानसिक दिवालियेपन का एक और बड़ा उदाहरण है। क्योंकि ये लोग केवल ये देखते हैं, नेता लोग अधिकतर, की भीड़ कितनी है सामने, तो भाषण देने वाला व्यक्ति क्या भाषण दे रहा है ये देखने के बजाय वो वोट बैंक देखते हैं और भीड़ देखते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये आरोप भी लगाया था कि श्री श्री रविशंकर भी उनके मंच पे गए थे, लेकिन दोनों वीडियो आप ध्यान से देखिए, जब दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के मंच पर हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो शांति की बात करते हैं, और जबकि वो सुन ही नहीं रहे कि वो खाली ये देख रहे हैं कि सामने मुस्लिमों का वोट बैंक बैठा हुआ है। जबकि रविशंकर जब उस मंच पर थे तो उन्होंने साफ कहा कि ये गलत बात बोल रहे हैं। जिस तरीके से जाकिर नाइक बात रखता है, कोई भी समझदार व्यक्ति जिसके पास अपनी सोच है उसकी बातों का समर्थन नहीं कर सकता। वो कुरान और हदीस का उदाहरण इस तरीके से देता है जैसे कि उसको सब चीज रटी हुई हो। वो जिन पृष्ठ संख्याओं की बात करता है, जिन आयतों की बात करता है, वो सचमुच हुआ है कि नहीं ये भी जांच नहीं हो पाई अभी। दूसरी बात, वो एक बात करता है कि वेदों और पुराणों से तथ्य उठाता है, श्लोक उठाता है, ऋचाएं उठाता है और उनको कुरान से संबंधित बताता है। कैसे हो सकता है जो 1200-1500 साल पुरानी चीजें हैं उनको आप 5000-10000 साल पुरानी चीजों से कैसे जोड़ सकते हो? मेरे समझ से बाहर है। ये किसी भी तार्किक व्यक्ति की समझ में आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जैसे लोग एक समय में उनके साथ खड़े हुए नजर आए हैं वो चिंताजनक बात है। क्योंकि अगर इन विचारों को राजनीति में, सामाजिक स्तर पर इतने सक्रिय लोग नहीं पकड़ पाएंगे, जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको मालूम नहीं है, जिनको बहकाया बरगलाया जा सकता है, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो चैतन्य मस्तिष्क हैं, जैसे रविशंकर जी ने, ये ठीक बात लगी, जब ये खबर आई थी कि वो भी मंच पर थे तो एक पत्रकार के रूप में मेरी भी, क्योंकि मैंने उस वीडियो को नहीं देखा, लेकिन जब देखा तथ्य जाने और ये लगा कि उन्होंने तुरंत वहीं पर प्रतिकार किया। तो जो भी चैतन्य व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, ये केवल श्री श्री रविशंकर या दिग्विजय सिंह की बात नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, किताबें पढ़ा है, संदर्भ पढ़ा है, तथ्य पढ़ा है, उसको कहीं भी कोई गलत बात होती हुई दिखे तो उसका तुरंत विरोध करना चाहिए, ताकि गलत, आज कश्मीर में जो हुआ है आप देखिए, बुरहान वानी जो है वो कुछ भी बोले जा रहा था और युवा उसकी बातों में आ रहे थे। अगर कोई समझदार व्यक्ति तो उसको बुरहान वानी की बातों का प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ताकि आगे आतंकवादी तैयार नहीं हो। जयदीप जी, ऐसा नहीं लगता कि जाकिर नाइक सिर्फ एक चेहरा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है? ये बात लगातार सामने आ रही है कि उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, जिस पीस टीवी को वो चला रहा था उसके लिए पैसा कहां से आ रहा था, तीन कमरे के उसने जो एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का अपना दफ्तर बनाया था वो देखिए, संयोग है या दुर्योग है जो भी कहिए, वो ऐसी जगह से आता है जहां पर दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और अरुण गवली जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन जहां से अपना काम संचालित करते थे। तो जिस जाकिर नाइक के पास इतनी अथाह दौलत थी, लगातार विदेशों के दौरे करता था, बाहर से जबरदस्त फंडिंग मिलती थी, वो निश्चित तौर पर किसी मुंबई की भव्य जगह पर
भी अपना दफ्तर बना सकता था, उसने एक ऐसी जगह पर जहां से अंडरवर्ल्ड लगातार पलता फलता और फूलता रहा है, उस जगह पर अगर अपना दफ्तर बनाया है तो ये निश्चित तौर पर एक सामान्य संयोग नहीं माना जा सकता। इसके पीछे की जो पूरी व्यवस्था है, राजनीति है, साजिश है, उसको समझना जरूरी है। उसको सऊदी अरब में और दूसरे देशों से किस तरह से फंडिंग मिलती थी, ऐसे कौन लोग थे जो उसके माध्यम से भारत में इस तरह के धार्मिक विद्वेष को फैलाना चाहते थे, मुझे लगता है इस सब की जांच होनी चाहिए। जाकिर नाइक जैसे और भी प्रचारक सक्रिय हैं, क्या सरकार इनसे सबक लेगी कुछ? मुझे लगता है कि सरकार को सबक लेना चाहिए। और देखिए, यहाँ ये बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, वेब दुनिया का ये संपादकीय का मंच है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल जाकिर नाइक, अगर कोई अति हिंदुवाद की बात करता है, अति ईसाइयत की बात करता है तो वो भी गलत है, जिस तरह की कुछ ईसाई मिशनरियों ने देश में गलत किया है। अभी ताजा खबर ये आई है कि मध्य प्रदेश के एक मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय के नारे को बंद करवा दिया गया, ये भी अतिवाद है। और ऐसे अतिवाद के खिलाफ अगर हम लोग नहीं खड़े हो सकते, ऐसे वक्त में हम देश में असहिष्णुता की बातें नहीं कर सकते, तो गलत है। सरकार को इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। कोई हिंदू अगर अति हिंदुवाद की बात करता है, हिंदुवाद के आड़ में कट्टरता की बात करता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता है, तो ऐसे किसी भी प्रचारक को, तथाकथित प्रचारक को, क्योंकि वो प्रचारक नहीं हो सकता सच्चे अर्थों में, धर्म का जो प्रचारक है वो जो मानवीय मूल्य है उनको परे रखकर कोई बात नहीं कर सकता। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें इन मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित नहीं किया गया हो, और अगर इस तरह प्रतिष्ठा नहीं की गई है तो फिर वो धर्म ही नहीं है। तो सरकार को बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। ये सारे लोग जो बम फटते हैं उससे ज्यादा खतरनाक है, बम वो लोग चलाते हैं जो इस तरह के विचारों से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह के विचार हर रोज नए फिदाइन, आत्मघाती दस्ते, आतंकवादी तैयार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। गांधी जी ने खुद कहा था कि विचार की ताकत बम से बड़ी है, लेकिन उन्होंने सद विचारों का, सकारात्मक बातों का प्रचार किया था, अहिंसा की बात की थी और अहिंसा को बढ़ावा दिया था। लेकिन गांधी जी जैसा नेता हमारे पास है जिसने कहा था कि विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं, ये गांधी जी के विचारों की ताकत है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बाहर और ब्रिटेन, जिसकी हुकूमत के अंतर्गत भारत को रहना पड़ा था इतने लंबे समय तक, 200 साल तक, उस ब्रिटेन की संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा लगी है। इससे पता लगता है कि विचार की ताकत होती क्या है। लेकिन उसी विचार की ताकत को अगर गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो जाकिर नाइक जैसे लोग पैदा होते हैं जो जहर उगलते हैं, और इससे सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के भड़काऊ बयानों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।